हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं हम बात करेंगे कि मोटर कार का क्लेम सेटलमेंट कैसे करें। ये हम क्या है, कार इंश्योरेंस तो कहीं से भी ले लेते हैं, एजेंट के थ्रू, ब्रोकर के थ्रू या ऑनलाइन बहुत सारे पोर्टल्स हैं उनके थ्रू, लेकिन मेन जो सबसे ज़्यादा सभी के साथ ये मैंने अक्सर देखा है, जो हमने फेस किया है कि कार इंश्योरेंस कैसे लें। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उसका सही इस्तेमाल कैसे करें ताकि क्लेम के टाइम पे किसी को कोई दिक्कत ना आए। तो मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ जो मेरे साथ हुआ, तो आप इससे पूरा समझ पाएंगे। बेसिकली क्या है कि खुदा न खास्ता आपके साथ कभी एक्सीडेंट हो जाए, और एक्सीडेंट होने के बाद आप उस टाइम पे सबसे पहले आप अपना ध्यान रखिए, अपना बिलोंगिंग्स देखिए कि आपके साथ जो भी सामान था वो सब ठीक है, सुरक्षित है, आप सही हैं, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी है। गाड़ी जब आपकी जिस इंसिडेंट पे डैमेज हो जाती है, जिस जगह डैमेज हो जाती है, वहाँ से अगर आप चलान के ले जाने लायक हैं तो अच्छी बात है, नहीं चला के ले जाने लायक हैं तो भी आप वहाँ पे आराम से देखिए, पहले देखिए सब सेफ हैं, कोई परेशानी है तो घर में या एम्बुलेंस को कॉल करके अपने लिए मंगाएं या जो भी कोई है आप उसके लिए मंगाएं। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले आप अगर गाड़ी आपकी वहीं पर डैमेज हो गई है और आप बिल्कुल ठीक हैं और सही होश में हैं और दिन का समय है तो या रात का भी समय है, तो सबसे पहले आप अपना पॉलिसी डॉक्यूमेंट देखें, ठीक है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट में अगर आपको नॉलेज है, आपको जानकारी है नहीं है, तो आप ज़रूर देखें कि उसमें रोड साइड असिस्टेंस कवर है या नहीं है। रोड साइड असिस्टेंस आपका क्या करेगा, मान लीजिए आपकी गाड़ी डैमेज है और डैमेज होने के बाद वो ले जाने लायक नहीं है, तो रोड साइड असिस्टेंस ये हेल्प करेगा कि आप जिस कंपनी से आपने इंश्योरेंस लिया है, अगर उस पॉलिसी में रोड साइड असिस्टेंस है, आप कॉल करेंगे तो इंश्योरेंस रोड साइड असिस्टेंस के थ्रू क्या होगा, एक गाड़ी आएगी जबकि गाड़ी को टो करके एक नज़दीकी गैराज में ले जाएगी, जहाँ पे आपका कैशलेस क्लेम सेटल हो जाएगा। इनकेस अगर वहाँ आसपास नहीं है तो जहाँ आप डिजायरेबल जगह जाना चाहते हैं या जहाँ जिस पे भी शोरूम पे कैशलेस होगा या डीजल डीलर पे या गैराज जहाँ भी होगा वहाँ नज़दीकी पास में को ले जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आप साइकिल की गाड़ी सही है और चलने लायक है और आप उसको ले जाते हैं, उस दिन तो आप बिल्कुल आराम करिए, कोई देख लीजिए कि कहीं कुछ है नहीं, आप घर पे जाइए, वहाँ गाड़ी रखिए। अगले दिन अगर आप प्लान कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बीच में एक चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आप अगले दिन प्लान कर रहे हैं तो 24 घंटे के अंदर आप ज़रूर कंपनी को इंटीमेट कर दें कि आपके साथ ऐसी कुछ घटना घट गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार क्या होता है, लोग छुट्टी है, सैटरडे है, संडे है, जी त्यौहार था, ये है वो जी, आप सिंपली अपने एजेंट को या ब्रोकर को या जो भी आपने अगर डायरेक्टली कंपनी से ऑनलाइन लिया है तो आप ज़रूर मेल या उनके हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करके ज़रूर इंटीमेट कर दें। इंटीमेट करने के लिए दो इंपॉर्टेंट बात बहुत ज़रूरी हैं जो बहुत ज़्यादा ध्यान, जब आप कॉल करें तो कॉल वही आदमी करें या दूसरा भी करें जिसको जानकारी हो, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस नंबर ज़रूर होना चाहिए उस बंदे का जो वो गाड़ी चला रहा था, या तो आप चला रहे हो या कोई भी चला रहे हो, क्योंकि कई इंश्योरेंस कंपनीज के साथ क्या होता है, जब वो क्लेम रजिस्टर करते हैं तो आपकी से सारी लगभग घटना पूछी जाती है, साथ ही साथ ड्राइविंग लाइसेंस नंबर ज़रूर पूछा जाता है, जो अक्सर कई बार नहीं होता तो वो क्लेम रजिस्टर पूरा नहीं करते, वो कई बार कह देते हैं कि आप कॉल सर आप दोबारा कॉल करिएगा विद डीएल नंबर के साथ, तभी हम आपका रजिस्टर कर पाएंगे। तो आप ज़रूर रजिस्टर करें। अगर आप शोरूम पे लेके जा रहे हैं, मान लीजिए आप आज एक्सीडेंट हुआ, कल आप लेके जा रहे हैं अगले दिन, तब आपको ज़रूरत नहीं है, आप शोरूम पे ही जा करके वहाँ से शोरूम वाले ही या डीलर या गैराज जहाँ पे भी लेके जा रहे हैं वो आपका इंटीमेट करा देगा। अच्छा, सेकेंडली अगर आप नेक्स्ट डे जब भी आप एक्सीडेंट होने के बाद आप जब भी नेक्स्ट डे आप प्लान कर रहे हैं अपनी गाड़ी को क्लेम में डालने के लिए, तो ज़रूर आप अपने एजेंट से, ब्रोकर से या ऑनलाइन वेबसाइट पर जाके ज़रूर चेक करें कि आपके आसपास नज़दीकी गैराज जिसमें कि कैशलेस फैसिलिटी हो आप उसी में जाएं, ये थोड़ा सा आप थोड़ी सी रिसर्च कर लें। दूसरा, आप इसके वहाँ जाते से पहले चार डॉक्यूमेंट्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लेके जाना, ओरिजिनल लेके जाना, फोटोकॉपी लेके जाना तो अच्छी बात है, ओरिजिनल भी साथ लेके जाएं, वो चेक करते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, वोटर आईडी चलेगा, पैन कार्ड ओनर का होना चाहिए, ध्यान रखिएगा ये पैन कार्ड और आधार कार्ड ओनर का चलेगा, डीएल वो जो बंदा चला रहा था, चौथा जो है तुम्हारा आरसी, ओरिजिनल आरसी चाहिए होगी, ये आप ले जाके वहाँ पे उसको देंगे तो वहाँ पे जो क्लेम जो गैराज में या शोरूम पे जो भी कोई बंदा होगा वो आपकी गाड़ी अटेंड करेगा, पहले आपसे वो फॉर्म भरवाएगा। मैं ये जानता हूँ फॉर्म भरना एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है क्लेम के लिए, जो लोग या डीलर लोगों पे छोड़ देते हैं, सारी चीज़ भरते हैं, वहाँ पूछ लेते हैं, छोटा सा पॉइंट लिख के छोड़ देते हैं, फिर बाद में प्रॉब्लम होती है।
मैं आपको इस चीज़ के बारे में विस्तार से रूप बनाऊंगा। इसी चक्कर में मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि प्रॉब्लम पता है यहीं पे आती है। आपका कुछ भी डैमेज हो, खुदा ना खासा, लेट से हम ये कहते हैं कि एग्जांपल अभी करेंटली मेरे साथ चल रहा है, क्या हुआ कि उसके साथ ये घटना हुई कि क्या हुआ, उसकी गाड़ी जब वो गाड़ी चला रहा था, पीछे से कोई गाड़ी तेज़ी रफ्तार में आई, उसको पीछे से टक्कर मारी। अब पीछे से टक्कर मारी तो पीछे डैमेज हुआ, जब वो गाड़ी थी उसके आगे भी जाके दूसरी गाड़ी में लगी, तो उसका गाड़ी क्या हुआ, आगे से भी डैमेज हुई, पीछे से भी डैमेज हुई। अब उस परिस्थिति में क्या हुआ कि उसके आगे का बम्पर, पीछे का बम्पर, आगे का तो बम्पर भी और काफ़ी सारी चीज़ें, डैश काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है, तो शायद इंजन में भी कोई प्रॉब्लम हुई है। अब उसने सिंपल से क्या हुआ कि वहाँ पर जब प्रॉब्लम, उसने जब क्लेम फॉर्म भरा, तो क्लेम फॉर्म भरने पे उसने लिखा कि गाड़ी पीछे से हिट हुई, आगे मेरी गाड़ी आगे लग गई और मेरी गाड़ी डैमेज हो गई। अब मेरे को जहाँ तक मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे यह है, सर्वेयर भी समझता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम भी बुरा मानिएगा, लेकिन कई बार ये भी होता है कि हम अपने पुराने डैमेजेस को कवर करने के लिए भी करते हैं साथ के साथ। कभी कभी ये होता है कि जहाँ पर हिट करी वो पुराना डैमेज भी था, वो एक अलग कॉन्ट्रेरी है, मैं उसके बारे में अलग से बताऊंगा। लेकिन क्या है कि आपका अलग से भी पहले भी डैमेज था, अब वही पे दोबारा हिट कर गया या जो भी कारण रहा, अब उस क्लेम पे उस पर पूरा का पूरा उन्होंने फॉल नहीं लिखा कि ऐसे सिनारी हुआ। मेन जो पार्ट है, मैं ये पॉइंट पे आता हूँ कि उसने ये नहीं लिखा कि क्या क्या चीज़ में हमारे हिसाब से डैमेज हुई है उस टाइम पे। क्लेम जब हम क्लेम फॉर्म जब भरवाते हैं, तो डीलर हो या गैराज हो, तो वहाँ पे जो मैनेजर, जो पर्सन होता है जो हमें अटेंड करता है, वो हमारे साथ जरूर गाड़ी जाता है। इवन मेरे साथ भी ऐसा हुआ, जब वो मेरी गाड़ी लेके जा रहा था, जब वो मेरे साथ भी क्लेम हुआ, तो वो जब पीछे से चेक कर रहा था, तब उसने देखा, सर ये देखिए आपका ये लेफ्ट साइड से ये भी डैमेज है। तो मैंने ध्यान नहीं दिया था, मेरा बम्पर डैमेज है, लेकिन लेफ्ट साइड से भी इधर से भी जा रहा है, और आगे ग्रिल भी डैमेज थी गाड़ी की, साथ बम्पर भी था, ग्रिल भी थी, और बोनट भी साइड साइड से टेढ़ा हो चुका था। तो ये चीज़ होती है, तो वो जब वो बता रहा है, तो आप ज़रूर वो तो मेंशन करेगा ही, लेकिन आप जब फॉर्म पे जब भरें कि क्या आपकी गाड़ी के साथ ऐसे ऐसे घटना हो गई और इसमें ये चीज़ डैमेज हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है सर्वेयर को जानने के लिए कि क्या क्या आपके साथ घटना हुई और क्या क्या चीज़ डैमेज हुई। कई बार अक्सर ये कॉन्ट्रडिक्शन निकल के आता है कि हमने उसको लिख दिया कि एक लाइन में लिख दिया कि हमारे साथ ऐसी घटना हो गई, खत्म कहानी। अब हमें अगर वहाँ लिख देते तो हमको भी ये रहता है कि हाँ, हमने क्लेम करने के लिए कहा है कि चार चीज़, हमने कहा कि उसको लगता है कि ये सर आप कुछ कर ऊपर नीचे है या सर्वेयर को समझ नहीं आ रहा है, तो सर्वेयर भी ऐसा नहीं है कि क्लेम रिजेक्ट करता है या कंपनी रिजेक्ट करती है। अगर आप उसको ढंग से एक्सप्लेन कर रहे हैं, चीज़ों को बता रहे हैं कि ऐसे ऐसी घटना हुई है और ये चीज़ है और ये एक्सपेक्ट है और ये चीज़ हुआ है, तो कंपनी क्लेम आपको बिल्कुल देती है। उसमें सर्वेयर का भी सिर दर्द बचता है उसको भी, क्योंकि क्या होता है उसके पास भी 10 फाइलें होती है, वो भी आपको समझता है, क्योंकि वो जो वो तो यही समझेगा ना, जितना आपने लिखा है उतना ही समझेगा, उसे थोड़ी सी समझ में आ रहा है, क्योंकि डैमेज होने पर ज़रूरी नहीं है। कभी कभी कार हिट करती है, जैसे मेरे साथ दो बार घटना हुई, कार एक बार हिट करी, दो एक पीछे से हिट करी है, एक बार कार ने बहुत जोर का इम्पैक्ट किया तो उसमें मेरा बम्पर भी गया और मेरी डिक्की भी गई, और एक बार जब हिट किया सिर्फ मेरा बम्पर गया था, डिक्की या अंदर के पार्ट का कुछ भी डैमेज नहीं हुआ था। तो ऐसे नहीं पता चलता, तो आपको बेटर है कि आपको ज़रूर लिखना चाहिए। सेकेंडरी क्या है कि जब भी आप फॉर्म भरें, फॉर्म भरने के बाद आप ये ज़रूर ध्यान रखें जो मैंने बता रहा हूँ, इसके बाद आप क्लेम फॉर्म वो आपको जमा कर देगा, और जमा करने के बाद 24 घंटे के अंदर सर्वेयर आएगा, गैराज पे सर्वे करके चला जाएगा, और फिर वो आपको बता देगा कि प्रोसेस ये होता है कि जो आपने शोरूम पे भेजा, तो शोरूम वाले असेसमेंट बनाते हैं कि भैया आपका 30,000 या 40,000 जो भी खर्चा आया है, तो फिर अगर हमारी जेन्युइनली होती है, सारी चीज़ ठीक होती है, पेपर इंटैक्ट होते हैं, तो सर्वेयर अपने उसके हिसाब से वो अपना क्लेम पास पॉलिसी के हिसाब से देखते हुए वो पास कर देता है। मान लीजिए अब मैं आता हूँ कि पॉलिसी जैसे जीरो डब पॉलिसी और कंज्यूमेबल भी साथ में, तो आपका फाइल चार्ज जाएगा, तो सर्वेयर आपकी पॉलिसी के हिसाब से आपका जीरो डब कंज्यूमेबल है तो आपकी गाड़ी डैमेज हुई, हिसाब से कुछ नहीं, वो आपका फाइल चार्ज लगता है, बाकी जो चीज़ है वो सारा का सारा आपको पे कर देता है। दूसरा मैं एक एडवाइस और देना चाहता हूँ कि कोई कोई लोग मुझसे कहते हैं कि सर फुल इंश्योरेंस है लेकिन हमारे पास जीरो डब पॉलिसी नहीं है, तब उस केस में क्या करना चाहिए, या हमारे पास सर देखिए हमारी गाड़ी बहुत महंगी है और नो क्लेम बोनस 50% चल रहा है, तो बोनस भी चल रहा है और देख लीजिए। तो मैं ये कहता हूँ, पहले पॉइंट लेता हूँ, मान लीजिए कि अगर आपके पास नो क्लेम बोनस 50% चल रहा है, ठीक है, और अगर आपकी गाड़ी 500-600 रुपये में सही हो सकती है, 1,000 रुपये में भी, तो क्यों आप विदाउट जीरो डब अगर आपकी पॉलिसी है तो क्यों आप जाके, क्योंकि गाड़ी को देने का मतलब हफ्ते भर गैराज में या 5 दिन या 10 दिन गैराज में खड़े रहना, उसमें आपका भी नुकसान होता है, आपको भी लगता है गाड़ी आ रही है, रिपेयर हो रही है, चीज़ हो रही है, आपका आने जाने का नुकसान और
डेफिनेटली जितना हम सोचते हैं कि हमें उतना फ़ायदा हुआ उतना बेनिफिट नहीं हो पाता है। तो कई बार हम भी जानते हैं कि डीलर और गैराज में डीलरशिप में कराना कॉस्टली पड़ता है, तो कई बार जो चीज़ हमें डीलरशिप में 10,000 की पड़ती है वो हम 4,000 या 5,000 में बाहर से लोकल मार्केट से रिपेयर करा लेते हैं। दूसरा ये है कि अगर आपकी पॉलिसी सिंपल है विदाउट जीरो डैप और कंज्यूमेबल है, तो आप ज़रूर सबसे पहले एस्टीमेट ले लें जाके कि बाहर से कितना पड़ रहा है और लोकल मार्केट से रिपेयर कराने में कितना पड़ रहा है लोकल गैराज से, या आप कैशलेस के लिए जब आप कंपनी में क्लेम डालने जा रहे हैं विदाउट जीरो डैप पॉलिसी में कितना पड़ रहा है। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि अगर आपकी पॉलिसी विदाउट जीरो डैप विदाउट कंज्यूमेबल आपकी है और फली फुल इंश्योरेंस है, फिर भी जो एवरेज बनता है 50-50, मतलब 50% बिल आपको देना पड़ेगा, 50% आपकी कंपनी पे करती है। लेकिन मैं मानता हूँ अगर कहीं डैमेज बहुत ज़्यादा है तो आपको ज़रूर जाना चाहिए, ज़रूर आपको जो इंश्योरेंस का ज़रूर क्लेम लेना चाहिए। तीसरा एक चीज़ का बहुत ध्यान रखिए कि भाई जो जीरो डैप के साथ साथ कभी कभी समस्या ये आती है कि आप ये कहते हो जीरो डैप है फिर भी हमें पैसा देना पड़ा, तो आपको देखना चाहिए कि जीरो डैप का कंज्यूमेबल है या नहीं है। उसके लिए मैंने आपको अलग से वीडियो बनाई है, आप मेरे पे जाके ज़रूर देख सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा कंज्यूमेबल के साथ। और दूसरा इंजन के साथ, इंजन मान लीजिए गाड़ी में डैमेज, अगर इंजन भी डैमेज हो जाता है तो इंजन का जीरो डैप में कवर नहीं होता। आपको इंजन अगर इंजन कवरेज आपने ले रखा है तभी आपको कंप्लीट इंजन का कवर मिलता है, उसकी भी एक मैंने वीडियो बना रखी है, मैं आपको कमेंट बॉक्स में नीचे डाल दूंगा। तो ठीक है, आप होप मुझे आपको ये वैल्यू इसकी लगी होगी जो मैंने वीडियो बनाई है, क्योंकि मेरा कंसर्न सबसे इम्पोर्टेंट यही है, क्योंकि ये 70-80% लोगों की है। मैंने कई बार 3-4 बार में क्लेम ले चुका हूँ अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव का, खुद भी मैं कई बार गया हूँ, तो मैंने यही देखा है जो बगल में मेरा क्लेम फॉर्म कोई भर रहा होता है, या आप बिल्कुल भी डीलर पे इस चीज़ के बारे में मत सोचिए, वो बहुत बिजी होता है, उसका कंसर्न ये होता है कि वो होगा वो अपने आप सेटिंग होगी, वो अपना कोई नहीं, आप अपने हिसाब से अपने आप को इंश्योर करिए कि जब आप फॉर्म भरें तो ज़रूर डिटेल में लिखें कि क्या क्या घटना हुई है। वो मुझे मालूम है कि कई बार क्या होता है आपके तो फॉर्म बहुत छोटा है, जगह बहुत स्पेस समझी नहीं, आप दोबारा नीचे 2 लाइन और लिख दीजिए, साथ में अटैच कर दीजिए पेपर, वो बहुत ज़रूरी है, वो आपको आगे काम आएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर इस बारे में बताएं, कुछ और क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और मेरा आपसे एक और निवेदन है कि अगर मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, एंड मैं आगे की वीडियो का इंतज़ार करें, तो के लिए थैंक यू।